छिंदवाड़ा जिला के भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ सिवनी जिले के विधायक दिनेश उर्फ मुनमुन रॉय, सिवनी जिले के ही केवलारी विधानसभा के विधायक राकेश पाल, सिवनी जिले के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सहित हजारों की संख्या में पदाधिकारी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू द्वारा दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जिस तरीके से पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, उससे जिला भाजपा में खासी खुशी की लहर है। वहीं कांग्रेस के लिए यह चिंता खड़ी हो गई है और एक चिंता खड़ा करने का विषय है, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और इससे भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के दीपावली मिलन समारोह को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। स्थानीय पूजा लान में आयोजित कार्यक्रम में आशा अनुकूल उपस्थिति से गदगद जिला अध्यक्ष सहित भाजपा के पदाधिकारियों ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आगामी समय में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में सक्रिय हो जाने का आह्वान किया। साथ ही कांग्रेस के सूरज पटेल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। वहीं अतिथियों का स्वागत करते हुए विवेक बंटी साहू ने कहा कि हमारे जिले से सातों विधानसभा के कोई भी विधायक नहीं है और हमारे जिले के विधायक की जिम्मेदारी समीपस्थ जिले सिवनी के दिनेश उर्फ मुनमुन रॉय एवं राकेश पाल निभा रहे हैं और सदन में छिंदवाड़ा के विकास की बात रख रहे हैं, जिसे एक स्वर में राकेश पाल एवं दिनेश उर्फ मुनमुन रॉय ने छिंदवाड़ा जिले की जनता के बीच हामी भरी। भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी कार्यकर्ता आज इस दीपावली मिलन कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं और मैं सौभाग्य मानता हूं कि हमें इस कार्यक्रम में सम्माननीय मुनमुन राय जी, सम्माननीय राकेश पाल जी, आलोक भुइया और सिवनी के हमारे साथियों का सानिध्य मिला है, इनका प्रेम मिला है, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्योंकि अभी जिस तरीके से दुबे जी ने भी कहा, मुनमुन भैया ने भी कहा, राकेश भैया ने भी कहा और बीच में मैंने मुनमुन भैया से भी एक बार कहा था कि छिंदवाड़ा का विधायक, छिंदवाड़ा जिले के विधायक हम आप लोगों को मानते हैं, क्योंकि सबसे करीब आप हैं और हमारी आवाज अगर कहीं उठाना हो तो आप लोग ज्यादा अच्छे से उठा सकते हैं। जिस तरीके से अभी मुनमुन भैया ने बताया कि हमने मुख्यमंत्री जी से चर्चा की थी और उस चर्चा का निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा सिवनी के किसानों को लाभ मिलेगा और जल्द से जल्द प्रोत्साहन राशि मिलेगी। हमें सभी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, सभी का स्नेह प्राप्त हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिले में बहुत दूर दूर से कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि अंतिम बूथ से यहां पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं और हम परिवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक क्षेत्र में जरूर है, लेकिन हम सभी के संबंध एक पारिवारिक रूप से हैं और ये आज दर्शाता है इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। और जो परिवार एक साथ चलता है तो इसका दूसरा उदाहरण देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, सिर्फ राजनीति के कारण नहीं, एक पारिवारिक संबंधों के कारण। सभी लोगों के हमें उद्बोधन मिले हैं, सभी का प्यार मिला है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के जिले के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से ना हम रुकेंगे, ना हम टूटेंगे और अब ना हम चूकेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं महाराज सिंधिया का समर्थक हूं और महाराज सिंधिया जहां भी रहेंगे मैं उनके साथ हमेशा सदा रहूंगा, मैं उनका सेवक हूं। मैं महाराज सिंधिया जो भी आदेश मुझे करेंगे मैं उनका समर्थन करूंगा। और भाजपा की रीति और नीति, माननीय मोदी जी की और माननीय शिवराज सिंह जी की रीति और नीति जो है पूरे देश में जो चल रही है, उससे युवा और मेरे जैसे लोग, मतलब आने वाले समय में कांग्रेस के सभी लोग अभी धीरे धीरे करके आने वाले हैं जो मेरे संपर्क में है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी परिवार के समस्त कार्यकर्ताओं में दीपावली मिलन का कार्यक्रम था और पूरे जिले के कोने कोने से भरपूर के यहाँ पर कार्यकर्ता उपस्थित हुए। मैं सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमें सौभाग्य मिला कि सिवनी के विधायक सम्माननीय मुनमुन राय जी, हमारे केवलारी के विधायक सम्माननीय राकेश पाल सिंह जी, सिवनी के अध्यक्ष भाई दुबे जी, आलोक दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हुए और इन लोग का सभी का मार्गदर्शन मिला है। मैं आज इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं से यही निवेदन करता हूँ कि यह भारतीय जनता पार्टी परिवार और इसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है। यह प्रेम, यह संबंध बना रहे और सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा है और मोदी जी की रीति नीति से मैं प्रभावित होकर
भाजपा ज्वाइन करी है हमने। क्या रीति नीति है भाजपा जी की और मोदी जी की? जो देश के अंदर माहौल है शांति का, उसके कारण मैं जो देखा हूँ, मैंने आज सेना का सम्मान आज भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, तो पहले नहीं होता था। चीजों को देखते हुए मैं आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ली है। आपको क्या लगता है भविष्य में, मतलब कहना चाहिए, और ऐसी शांति बनी रहेगी और देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा? देखिए, विकास की बात करें तो विकास तो अभी देश में बहुत शानदार हो रहा है, देश विकासशील है, और भविष्य में और भी इससे ज्यादा इसकी हम कामना करते हैं। आपका नाम? सुधीर राजपूत। दीपावली मिलन समारोह हमारे अध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के नेतृत्व में द्वारा मनाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी के लिए शानदार आए, जैसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की है, वैसे ही छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी में और जो कार्यकर्ताओं ने आज ज्वाइन किया है भारी संख्या में कांग्रेस के, ऐसा ही वातावरण ये जिले में अब चलेगा और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही अगले छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे छिंदवाड़ा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता का यहाँ पर दीपावली पावन पर्व के उत्सव में मिलन समारोह कार्यक्रम रखा, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का बहुत बहुत बंदा अभिनंदन करता हूँ। एक विशाल रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकलकर इस कार्यक्रम में आया है। निश्चित है यहाँ के अध्यक्ष आदरणीय बंटी साहू जी और यहाँ के हमारे पूर्व विधायकगण और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक पदाधिकारी जिनका सबको नेतृत्व को बधाई देता हूँ। जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आया, ये निश्चित हो गया है 2023 के चुनाव में सभी सीट भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के विधायक जीतेंगे और यहाँ की लोकसभा जीतना तय हो गया है। अब आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज दीपावली मिलन के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित मेरे बड़े भाई और जिनसे परिचय तो कम था लेकिन पुराना परिचय था, लेकिन पिछले दिनों डबरा उपचुनाव में उनके मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला और उनकी प्रतिभा से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। उनकी दमखम और जिस तरीके से वो कार्य करते हैं, वो सिर्फ हमारा छिंदवाड़ा सिवनी जिला नहीं पूरा मध्य प्रदेश जानता है। ऐसे बड़े भाई मनमोहन राय जी यहाँ पर उपस्थित, मेरे दूसरे बड़े भाई जिनसे मेरा परिचय मार्गदर्शन उस समय भी मिलता था, हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहा, ऐसे सम्मानी राकेश पाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित, सम्मान्य विभाग संचालक जी श्री भजनलाल चोपड़े जी, हमारे जिला संचालक सम्मान्य डॉक्टर कोले जी, श्री केशरवानी जी यहाँ पर उपस्थित, सिवनी जिले के अध्यक्ष बड़े भाई सम्मान्य दुबे जी, आलोक दुबे जी यहाँ पर उपस्थित, वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व विधायक जिले के पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय रमेश दुबे जी, सोसर से हमारे पूर्व विधायक रहे, पूर्व मंत्री रहे, जिनका सानिध्य प्यार हमें हमेशा मिलता है, सम्मानीय नाना भाऊ माहौर जी, पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय श्री रमेश पोपली जी, हमारे जामई क्षेत्र के पूर्व विधायक सम्मानीय नथन शाह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता सम्मानीय नानदेव राव जी लोटे यहाँ पर उपस्थित, सिवनी से पधारे पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय प्रेम तिवारी जी, सिवनी नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष और ऊर्जावान कार्यकर्ता सम्मानीय राजेश त्रिवेदी जी यहाँ पर उपस्थित, हमारे पांडुना नगर पालिका के अध्यक्ष सम्मानीय प्रवीण पालीवाल जी, हमारी नगर की प्रथम नागरिक महापौर श्रीमती कांता योगेश सदरन जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा श्रीमती कांता ठाकुर जी यहाँ पर उपस्थित, बड़े भाई सम्मानीय शेषराव यादव जी यहाँ पर उपस्थित, सभी जिले के मेरे कार्यकर्ता साथियों
वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी हैं, बूथ के अध्यक्ष, और आज जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से सम्मानी मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे भाई सूरज पटेल जी, सूरज भाई, सूरज पटेल जी, राहुल गढ़वाल जी, इनके नेतृत्व में आज हमारे सैकड़ों युवा साथी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीपावली मिलन वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।